हेलो फ्रेंड्स, मोटिवेशन लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा जो प्लांट है, ये क्लेंचो का प्लांट है। इसे कई नामों से जाना जाता है। इसे पत्थर चट्टा भी बोलते हैं। इसे एयर बेल प्लांट भी कहते हैं। दोस्तों, इस प्लांट को मेरे पास 1 साल हो गया है, और जब मैं लेके आया था तब सिर्फ पत्ते पत्ते थे। अभी दिसंबर चल रहा है, सर्दी का सीज़न चल रहा है, और सर्दी के अंदर इसने बहुत ही खूबसूरत जो फूल है निकालना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, क्लेंचो जो पौधा है, ये सैकुलेंट प्लांट होते हैं। इनको जड़ से भी ग्रो किया जा सकता है, और पत्ते से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, और तने से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के टाइम की ये वीडियो है। इस समय पत्तों के ऊपर छोटे छोटे जो पौधे हैं वो निकल के तैयार हो चुके हैं। ये अभी मेरे पौधे जो पत्ते हैं, ये प्लांट के साथ लगे हुए हैं। अगर पत्ते को तोड़कर ज़मीन में दबा दें तो भी बहुत सारे जो पौधे हैं इससे तैयार हो जाते हैं, एक ही पत्ते से। आप देख सकते हो इस तरह से। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे जो प्लांट है पत्तों से तैयार करके 2-3 गमलों में और लगा दिया थे। दोस्तों, जो क्लेंचो है, इसकी बहुत सारी वराइटियाँ हैं, हज़ारों स्पेसीज है, हज़ारों वराइटियाँ हैं। तो ये जो मेरे पास है, ये चौड़े पत्ते वाला क्लेंचो है। दोस्तों, जैसे कि इसका नाम पत्थर चट्टा है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो पत्थर होता है इसको ये चूर चूर कर देता है। तो दोस्तों, इसको आयुर्वेद में जो गुर्दे की पथरी होती है, इनको निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जिस भी इंसान के पथरी होती है, उनको ये सुबह खाली पेट सीमित मात्रा में दिया जाता है, और ये बहुत ही तेज़ी से काम करता है, और बहुत ही जल्दी जो पथरी होती है शरीर के अंदर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, ये प्लांट सारा साल हरा भरा रहता है, और इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास क्लंचों की 2-3 और वराइटियाँ हैं, इनमें से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वराइटी है, ये गोल पत्ते वाला क्लंचो है। इसमें भी क्या है, सर्दी के समय में फूल आते हैं और पूरा साल हरा भरा रहता है। इनको भी दोस्तों जो प्रोपोगेशन करना बहुत आसान है। ये मेरी एक सफ़ेद कलर का क्लंचो है, जो हाइब्रिड क्लंचो है। इसमें भी दोस्तों सर्दी में ही फूल आते हैं। क्लंचो की जो वराइटियां हैं, इनमें सिर्फ सर्दी के अंदर फूल आते हैं। ये दिसंबर से लेकर मार्च तक ये फ्लावरिंग करते हैं, मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग करते हैं। ये जो क्लंचो का प्लांट है, ये मैं छोटी सी कटिंग लेके आया था, उससे ग्रो किया है। इसको 4-5 महीने हो चुके हैं कटिंग को। ये भी दोस्तों एक क्लंचो की वराइटी है, ये चौड़े पत्ते वाला है, हाइब्रिड है ये भी। क्लंचो के अंदर दोस्तों बहुत सारी वराइटियाँ आती हैं, और बहुत सारे जो कलर आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सर्दी के अंदर ये क्लंचो के जो पौधे होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और गार्डन के अंदर जो 4 चांद लगा देते हैं। अभी भी दोस्तों दिसंबर का जो मंथ चल रहा है, इसमें पत्तों के ऊपर जो नई नई टहनियाँ निकलना स्टार्ट हो गई है, नन्हे नन्हे जो पौधे हैं वो निकल रखे हैं। दोस्तों, इन बेबी प्लांट को हम अलग करके दूसरे गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, और हमारे गार्डन में लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। दोस्तों, इस तरह का जो क्लंचो है बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा, तो पत्तों के साथ देखा होगा, लेकिन जो फूल है फूल के साथ कई दोस्तों ने पहली बार देखा होगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। गार्डनिंग से रिलेटिव और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आपके पास हमारी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले।